खबर यूपी से है, जहां मुरादाबाद से पति के जुल्म की कहानी का खौफनाक वीडियो सामने आया है। पत्नी का आरोप है कि उसका पति दहेज के लिए उसे 3 साल से रात को कमरे में बंद करके पीटता था। यही नहीं, उसने महिला के साथ की गई जुल्म जास्ती का वीडियो बनाकर उसके मायके वालों को भेज दिया और दहेज न देने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। 4 दिन पूर्व इस खौफनाक वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। परंतु पीड़िता का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कठोर कार्यवाही नहीं कर रही है और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मामला बिलारी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंसारिया का है, जहां बदायूं जनपद के गांव मिर्जापुर की रहने वाली नगमा पुत्री खलील की शादी इकबाल पुत्र अनवार जनपद मुरादाबाद के बिलारी अंसारिया से हुई थी। शादी के बाद से ही इकबाल और उसके परिवार वालों ने नगमा का दहेज के लिए उत्पीड़न शुरू कर दिया था। फिलहाल पीड़िता पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई है और न ही उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। 15 लाख रुपए मांग रहे थे मेरे घर से कि अपने बाप से 15 लाख रुपए मांग और मैं गाड़ी निकाल लूँगा। और बड़े मेरे बाप ने जो शादी में गाड़ी दी थी ना, वो गाड़ी की चाबी फेंक है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं बड़ी गाड़ी निकाल लूँगा। इसलिए कि सोने का हार लेके सोने का टीका ले गया। मेरी माँ ने वो भी अपनी अपनी बहू का जिसने चढ़ाया था वो भी दे दिया कि ले जब के नाम ये काम कर लेंगे अपने के पहनने के लिए, चली जाए पहन के इनकी इज्जत के लिए पहना। मैंने शादी वो उसमें हकीकें में अपनी कुपी घर हकी में गई थी, इनकी इज्जत के लिए हकीकें पहना, फिर भी वो भी बेच गए इन्होंने। क्या अब भी फिर कहा कि 10 तोले सोना लेके आ और 15 लाख रुपए लेके आ। और ना तो शादी में कितने दिन हो गए आपके? 3 साल, तीसरी साल लग गई। हमारी बेटी के साथ में बहुत नाचास्ती हुई थी, हमने बहुत इन्हें मारता है ये तोड़ता, मेरी बेटी बताती नहीं थी, लेकिन अब आन के बताया मुझे जब मैंने ये काम करा था और वीडियो बना कर देखी थी, वीडियो ने भेजी थी तो बोले मुझे ऐसे ऐसे चाहिए रुपया, नहीं तो मैं आपकी बेटी को मार दूँगा। और ये नाजायज दबाव डालता था और बुरी तरीके का, और इसके 2 भाई हैं, एक शादाब और एक इकरार, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी से जिक्र करा तो जान से मार दिया जाएगा तुम्हें। ये वीडियो जो बनाई थी इसने, ये इसी तरह से मारपीट करता रहता? हाँ, इसी तरह से मारपीट करता है। ये क्यों मारता है? ये तो इससे ही मालूम करा जाए, ये मुझसे दहेज मांगता था ज़्यादा और मेरा कब्जा नहीं था, जितना मेरा कब्जा मैं दे चुका हूँ। 6 लोगों के खिलाफ 7 ससुर पति देवर जेठ और एक बहन, कुल मिला के 6 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। अभी 11 तारीख में इसकी विवेचना और टिप्पणी की गई है और विवेचना दिल्ली की तरफ से की जा रही है। सर क्या कार्रवाई की गई इसमें? इसमें कार्रवाई और विवेचना भी 11 तारीख तक ही अभियोग पंजीकृत होगा, तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, मुझे चेक देखे कि मुझे आया किसी गिरफ्तारी हो पाई है सर? अभी तक तो मुझे गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई के लिए भी किया जा चुका है।